Hello student, today we are going to discuss our new topic subtraction of rational number. इससे पहले previous video में हम लोग देख चुके थे addition of rational number देख चुके थे. इसमें हम लोग बात करेंगे subtraction of rational number बात करेंगे. इसमें mainly हम लोग बात करेंगे कुछ point देख लेते हैं. सबसे पहले बात करेंगे additive inverse क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. उसके बाद जानेंगे कि दो rational number को subtract कैसे करते हैं उस पर देखेंगे. तो हमारा concept है, सबसे पहले आते हैं कुछ क्वेश्चन के मदद से हम लोग देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग. तो कॉन्सेप्ट पहला पॉइंट हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स जानना. दूसरा सब्ट्रैक्टिंग एनी टू रैशनल नंबर्स ऑलवेज गिव्स अ रैशनल नंबर. अगर सब्ट्रैक्टिंग करते हैं दो रैशनल नंबर को तो हमारा आंसर में जो हमेशा आता है ऑलवेज एक रैशनल नंबर ही मिलेगा. मतलब किसी भी दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलवेज हमको रैशनल नंबर मिलेगा यहाँ पर. तो क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ उसमें सेवन है माइनस फाइव, टू बाई फाइव, माइनस थ्री बाई सेवन, माइनस वन बाई माइनस टू, जीरो, जीरो बाई सेवन. ये सब रैशनल नंबर है, इसके एडिटिव इनवर्स. तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स मतलब थोड़ा सा समझते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है. एडिटिव इनवर्स ए हमारा अगर कोई नंबर है इसमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि हमारा आंसर आ जाए जीरो, डेट मीन्स माइनस ए. तो ए का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा हमारा माइनस ए. तो ये हम लोग एक इंटीजर या होल नंबर का एग्जाम्पल लिया. अगर रैशनल नंबर में बात करें ए बाई बी अगर हमारा एक रैशनल नंबर है तो इसमें ऐसा क्या रैशनल नंबर जोड़े कि हमारा आंसर जीरो हो जाए. तो ऑब्वियसली क्या है कि माइनस ए बाई बी अगर ऐड करिए प्लस में है तो माइनस ऐड करें तो हमारा आंसर हो जाएगा. यानी डेट मीन्स अगर बात करें वन बाई टू हमारा एक रैशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस वन बाई टू हो जाएगा. और माइनस वन बाई टू का बात करें तो वन बाई टू हो जाएगा. यानी प्लस वाला का माइनस हो जाएगा, माइनस वाला को क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. अब इसी पे बेस्ड एडिटिव इनवर्स कुछ क्वेश्चन को देखते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन है सेवन का एडिटिव इनवर्स निकालना था. एडिटिव इनवर्स ऑफ सेवन इक्वल टू माइनस सेवन, कोई दिक्कत नहीं, सेवन का माइनस सेवन हो जाएगा. एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस फाइव, माइनस फाइव है तो प्लस फाइव हो जाएगा आंसर. एडिटिव इनवर्स ऑफ टू बाई फाइव, टू बाई फाइव प्लस में है तो माइनस टू बाई फाइव हो जाएगा. एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस थ्री बाई सेवन, तो माइनस में है तो आंसर हो जाएगा थ्री बाई सेवन, प्लस में हो जाएगा. अब है एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई माइनस टू, तो यहाँ माइनस वन बाई माइनस टू ये दो बात करेंगे, ये आपको जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर है. अगर दो में नेगेटिव होता है याद करेंगे, माइनस वन बाई माइनस टू है तो इसको हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे माइनस वन से पहले मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमारा वन वन जा वन हो जाएगा और टू वन जा टू हो जाएगा. दो बार माइनस है प्लस हो गया, दो बार माइनस है प्लस हो गया, तो ये वन बाई टू हो गया. यानी वन बाई टू का आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है. तो वन बाई टू का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस वन बाई टू का होता है माइनस वन बाई टू होता है. तो यही हमारा हो गया. यानी कि ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव के सेंस में काम करेगा हमारा. पॉजिटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव का हो गया. अब है एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो, तो जीरो का जीरो होता है. यहाँ एक बात करेंगे जीरो हमारा है तो जीरो में ऐसा क्या जोड़े कि हमारा जीरो आएगा. तो जीरो का जीरो जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा. सेम उसी तरह जीरो बाई सेवन हमने लिया, जीरो बाई सेवन लिया तो जीरो बाई सेवन डेट मीन्स हमारा क्या होता है. देखो जीरो बाई सेवन का मतलब क्या है, जीरो बाई सेवन का मतलब क्या होता है, ये जीरो ही है. जीरो के नीचे हम कुछ भी वन टू थ्री कुछ भी दे दें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो हम लोग जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या देखे हैं, आपको जीरो देखें. तो यहाँ भी जीरो बाई सेवन का क्या हो जाएगा, जीरो. जीरो के नीचे कोई भी नंबर है पॉजिटिव या नेगेटिव रहे इसका एडिटिव इनवर्स निकालना तो हमारा आंसर आ जाएगा जीरो. आई थिंक एडिटिव इनवर्स क्लियर है. इसमें पहला क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज मिलेगा, एडिटिव इनवर्स बेस मिलेगा. अब है सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं. सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है टू नंबर सब्ट्रैक्ट माइनस एट बाई नाइन फ्रॉम माइनस थ्री बाई फाइव. दूसरा क्वेश्चन है माइनस थर्टीन बाई नाइन फ्रॉम जीरो. तो दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को देखते हैं. मतलब क्या माइनस एट बाई नाइन फ्रॉम माइनस थ्री बाई फाइव. फ्रॉम का मतलब है जो बाद वाला उसको पहले लिखते हैं, पहले वाला को बाद में, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन देते हैं. मतलब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस थ्री बाई फाइव जो हमारा पहले आएगा और माइनस एट बाई नाइन वो बाद में आएगा. क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और बीच में क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना तो बीच में सब्ट्रैक्शन साइन आएगा. तो इसके नीचे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ कंटिन्यू कर लिए हैं. आप इसके नीचे लगातार कंटिन्यू सॉल्व कर सकते हैं. इक्वल टू दिए, पहले ये ब्रैकेट को हटाएंगे, दो बार माइनस है, माइनस माइनस होकर आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया. अब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग अलग डिनोमिनेटर है तो इसको एलसीएम ले लेंगे. अगर सेम होता डायरेक्ट एक बार लिख लेते तो फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव आ गया. अब इन दोनों को फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव तो नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, एक बार माइनस है प्लस का प्लस, और नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव तो एट फाइव जा फोर्टी. अब एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक हो जाएगा, फोर्टी में से ट्वेंटी सेवन जाएगा थर्टीन, फोर्टीन बड़ा फोर्टी बड़ा है प्लस है तो ये प्लस हो गया नाइन फोर्टी फाइव. अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर है तो कट कुट नहीं होगा,
कैंसिल नहीं होगा, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता फिर उसको कट करते, अगर कैंसिल होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते, तो हमारा 13/45 इन दोनों के बीच आपका हो गया डिफरेंस आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन था -13/9 को फ्रॉम 0 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 0 पहले आएगा फिर माइनस का साइन आएगा फिर -13/9 आएगा, तो ये माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 0 में किसी भी नंबर को जोड़ते जो नंबर रहेगा वो सेल्फ हो जाएगा, 0 प्लस समथिंग आ गया, यानी ये जो नंबर है वही नंबर आ जाएगा, यानी 13/9 आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन आपको इवेल्यूएट करके दिया रहेगा, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इस तरह दोनों के डिनोमिनेटर को देखेंगे, यहाँ 7/11 है, माइनस करना -4 और -11, हमने इसके बारे में बताया था, ये आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि दो माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली हमने यहाँ लिख दिया, अदरवाइज इसको पहले कन्वर्ट करके स्टेप दिखा सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, इसको स्टेप दिखाना चाहे तो स्टेप दिखा सकते हैं आप। तो 7/11 हो गया माइनस, ये -4/-11 था, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया, पॉजिटिव डाली, अब दोनों का आप यहाँ पर एक स्टेप आप दिखा सकते हैं, इसको लाइक डिनोमिनेटर में आपको था ये इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चेंज करने के लिए ऊपर नीचे -1 जैसे इस तरह से दिखा सकते हैं, एक स्टेप कन्वर्टिंग -4/-11 है तो ऊपर नीचे आप -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4/ आपको हो जाता 11 हो जाता, फिर उसके बाद फर्दर आप इस तरह से सॉल्व करते 7/11 होता और 4/ क्या हो जाता 11 हो जाता, इस तरह से सॉल्व करते आप, तो उसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 4-7 3/11 आ गया, तो उम्मीद पहला ये इसका इवैल्यूएट 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं सब्ट्रैक्ट द सम, व्हाट प्रॉब्लम में आते हैं, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -13/11 and -49/22 फ्रॉम द सम ऑफ 33/8 and 19/4। ये आपका बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसी पे बेस सेम टू सेम है, तो कह रहा है कि इन दोनों का सम करना, पहले इन दोनों का सम करना, पहले कहना इन दोनों को सम करना होगा, इन दोनों का भी सम करना होगा, तो पहले सम करते, पहले इन दोनों का सम कर लेते, इन दोनों का हमने यहाँ सम किया, फिर इन दोनों का सम कर लिया, इन दोनों का सम कर लिया, अब यहाँ तक आने के बाद अब फिर क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते कि बोल क्या रहा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना, यानी कि फ्रॉम लगा हुआ इस, यानी फ्रॉम द सम ऑफ इतना, तो ये बाद में आ रहा है, फ्रॉम के बाद वाला, इससे पहले हम फ्रॉम पीछे में देखे थे, जो फ्रॉम के बाद होता है उसको पहले लिखते हैं और जो पहले होता है उसको बाद में लिखते हैं, फ्रॉम के बाद ये है, यानी इसके रिजल्ट जो हमारा नीचे वाला उसके रिजल्ट, इसको हम पहले लिखेंगे और पहले वाला को बाद में लिखेंगे, अब बीच में माइनस देंगे, तो ये यहां हो गया, अब दोनों को सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -3/8, आपको दिया था सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -3/8, इफ वन ऑफ द देम इज 3/16 फाइंड द अदर, यानी कि दो रैशनल नंबर का सम दिया हुआ है, इतना दिया हुआ रिजल्ट दिया हुआ सम, यानी कि अगर दो रैशनल नंबर इसका सम इतना, तो आपको एक रैशनल नंबर ये है तो दूसरा सम निकालना, तो ऐसे क्वेश्चन में आप समझेंगे, दो का सम जो दिया हुआ आपको, दो रैशनल नंबर आप ले लेंगे, जैसे कि ए प्लस बी का सम दिया हुआ मान लेंगे 7 दिया हुआ, अब फर्दर आपको बोलेगा बी का वैल्यू दिया हुआ 3, अगर बी का वैल्यू दिया हुआ 3 तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 3 को इधर भेज देंगे, तो 7 है 3 प्लस में तो 3 क्या हो जाएगा माइनस में, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 7, दो का सम आपको दिया हुआ, फिर आगे चल के बोलता है कि एक दोनों में से कोई एक का वैल्यू दिया हुआ, एक का वैल्यू मान लेते 3 है, तो बचा हुआ जो एक नया नंबर हो गया नंबर उसका वैल्यू क्या होगा, इस तरह से मतलब हमारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, तो क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे पहले जो हमको अदर रैशनल नंबर निकालना उसको मान लेंगे x, मान लेंगे x, आपको जरूरी नहीं x मानना, आप कुछ भी इसमें ए भी मान सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जो नहीं दिया रहता उसको स्मॉल x के इंडिकेट करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x देन, क्योंकि एक नंबर यहां दिया हो 3/16 और क्योंकि सम है इसलिए प्लस, सम के लिए प्लस साइन, और अदर नंबर को हम लोग x माने तो 3/16 प्लस x, और रिजल्ट आपको दिया हुआ तो रैशनल नंबर का सम दिया हुआ -3/8 दिया हुआ, अब क्या है कि x का वैल्यू फाइंड करना, तो x को हमको अकेला करना होगा, मतलब इसके साथ जो भी है इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, राइट साइड हम ले जाएंगे, बराबर के राइट साइड इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे, तो x के बाद हमारा ये है, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे हम, इस तरफ से ले जाएंगे, तो इस तरफ जाएगा तो x यहाँ प्लस में, तो प्लस छुपा लिए, ये जो है 3/16 के आगे पॉजिटिव साइन है तो इस पार जाएगा, इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, और 8 2 जाए 16 3 2 जाए 6 हो गया, 6 1 जाए 6 3 1 जाए 3 हो गया, दोनों माइनस में सेम साइन है तो 6 3 हो गया 9, दोनों का आगे माइनस हो गया तो 9/16 हो गया, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 9/16।
सेक्शन, इस तरह का व्हाट प्रॉब्लम हो गया सम वाला। अब है, अब एक क्वेश्चन और है, व्हाट शुड बी एडेड टू -13/4 -3/8 टू गेट 1, यानी इसमें कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि 1 आ जाए। सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, यहां पर एक नंबर दिया होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो कोई एक रैशनल नंबर बनेगा, एक रैशनल नंबर दिया हुआ उसका रिजल्ट दो रैशनल नंबर का सम दिया हुआ, तो अदर रैशनल नंबर मांग रहा है, ये एक रैशनल नंबर है अदर मांग रहा है। सेम इसी तरह से जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा 5 है, 5 को देखें उसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। तो पहले देखेंगे एक सम मानेंगे, जैसे यहाँ आंसर लिखे थे हम लोग, यहाँ लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स देन, और इसमें जैसे कि ये नंबर जैसे लिखे थे 13/6, तो ये जो नंबर हमारा जो है ये नंबर, तो ये यहाँ आ जाएगा एक्स का एक्स आ जाएगा और ये हमारा 1 जो है वह यहाँ पर आ जाएगा। देखते हैं इस राइट साइड में आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो हो गया तो वहां ऊपर देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 6 के वो देखते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, यहाँ दिया होगा एडेड बी एक्स देन, तो ये फर्स्ट नंबर की जगह पर ये आया प्लस एक्स बराबर क्या गया 1। अब हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स को अकेला करेंगे हम, एक्स को अकेला करेंगे तो इसको बराबर किस तरफ ले जाएंगे, तो ये पूरा एक नंबर है, यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस आ गया। अब इसको पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट है, पहले इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अब ब्रैकेट आप कन्वर्ट ब्रैकेट को हटा के भी माइनस को साइन से इंटू करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बेहतर होगा ब्रैकेट के पहले सॉल्व कर ले बाद में इसको आगे काम करें। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद ही सॉल्व होने का इतना आएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1 के नीचे कुछ नहीं 1, फिर इसको सॉल्व करेंगे माइनस सॉरी 13/8 आ जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 13/8। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका था, हमारा जो आंसर आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, तो व्हाट शुड बी सबट्रैक्ट फ्रॉम -2/3 टू गेट -5/6। इससे पहले क्वेश्चन में ऐड करना था, इसमें सबट्रैक करना है, तो अब सबसे पहले अदर नंबर को हम क्या है जो नंबर सबट्रैक करना है उसको x मान लेंगे, ले द रिक्वायर्ड नंबर टू बी सबट्रैक्टेड बी x देन, तो हमारा ये -2/3 में से x को सबट्रैक करना है, सबट्रैक्शन का साइन है x इक्वल टू गेट है -5/6 तो x का वैल्यू निकालना, x को हम यहां पर क्योंकि x पॉजिटिव में लेने के लिए x को इस तरफ ले जाते हैं हम, तो x को जैसे राइट साइड ले जाएंगे यानी इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे, x नेगेटिव x पॉजिटिव हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है तो इधर एक नंबर है, इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड लेंगे तो ये नेगेटिव में है, इधर आएगा पॉजिटिव में, x अकेला हो गया, इस x को इधर लिख ली, इस नंबर को इधर बस चेंज कर दिए, इसको प्लेस को चेंज कर दिए, x को इधर लिख लिए, उस नंबर को कुछ हमने नहीं किया, ऐसे भी सॉल्व कर सकते डायरेक्ट बाद में सीधा कर लेते, यानी इधर को इधर कर देते, इधर को इधर कर देते, एक्स को इधर हमने लिख लिया, इस नंबर को इधर लिख लिया, अब दोनों के एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 1/6, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 1/6। इस पे बेस्ड हमको मिलता है एक्सरसाइज 4D, आप अगर एक्सरसाइज 4D को देखेंगे आप एक्सरसाइज, तो आपको एक्सरसाइज 4D का 1-2 सेक्शन सभी बनाना है, टोटल बनाना है, देखते एक्सरसाइज 4D में क्वेश्चन जो आपका है, एक्सरसाइज 4D आपका बुक है, तो आपको फाइंड द एडिटिव इनवर्स से पहला क्वेश्चन में ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं, सबट्रैक करना है, फॉर्म वाला हम लोग सीख चुके हैं, इवैल्यूएट वाला भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब है व्हाट प्रॉब्लम हम लोग है 4 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें से बहुत सारे कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी अभी हम लोग देख चुके हैं कैसे बनाना है, तो मिलता जुलता सबका एक एक प्रॉब्लम आपको डिस्कस कर लिया गया, कुछ क्वेश्चन इधर है जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जैसे ये 1 वाला हम लोग अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हो गया, उम्मीद करते हैं कि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर पे बात करेंगे, देखिए हम लोग जो है फ्रैक्शन में भी इस टॉपिक को पढ़ चुके थे, एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शन, सबट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन ऑफ टू फ्रैक्शन बात कर चुके थे, उसी तरह से ये भी हमारा है प्रोडक्ट बात करेंगे और डिविजन बात करेंगे, यहाँ पर रैशनल नंबर में बात करें वहां फ्रैक्शन में बात करें, प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने फ्रैक्शन चैप्टर देखा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज यहीं तक, थैंक यू।